हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता देना। तो ये व्लॉग होने वाला है वैक्सीनेशन व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने सेकंड डोज के लिए, और आपसे मैं पूरा शेयर करूँगा कि मेरा फर्स्ट डोज का एक्सपीरियंस क्या था और सेकेंड डोज का एक्सपीरियंस क्या होने वाला है। और ये एक्सपीरियंस मैं आप सभी से भी जानना चाहूँगा कि आपने कौन सी वैक्सीन ली है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। और बहुत सारी उस चीज़ को लेके मिथ भी हैं, या कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो शेयर करी जाएंगी कि वो चीज़ें आपके साथ हुई या नहीं हुई। आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की बातें कर रहा हूँ। तो अभी मुझे यहाँ से निकलना है, तो अपना सेकंड डोज लेंगे, सेकंड डोज लेके वापस आते हैं और आपसे पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मुझे उसके बाद कैसा क्या फील हो रहा है और वैसा ही सेम आपके साथ हुआ या नहीं हुआ। तो अभी के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और वापस आके आपसे बहुत सारी बातें करते हैं कि आपने कौन सी वैक्सीन ली, मैंने कौन सी ली है और उसके बाद का क्या क्या चीज़ें रही हैं और उसके बाद कितना फ़ायदा किया है, ये भी हम जानेंगे और शेयर करेंगे। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, वैक्सीन लेते हैं, फिर आके मिलते हैं। भाई तेल डिप डिप कर रहा है भाई, ज़्यादा तेल नहीं है भाई, लगता है स्टार्ट। चलो काम चलाते थे भाई। ये हो गई स्टार्ट और अब यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो। तो ये सफ़र पे निकल चुके हैं वैक्सीनेशन के, और ये यार पहला जब डोज लगवाया था तो पहले डोज में मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और ये सोच रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा फीवर ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। तो पहला डोज थोड़ा डर था कि लगवाएं कि ना लगवाएं, और बहुत सोचने के बाद फिर डिसाइड किया कि चलो यार लगवा ही लेते हैं। तो फर्स्ट डोज फिर जाके लगवाया और ये सोच रहा था कि यार फीवर आएगा या नहीं आएगा, तो ये भी डर था। और क्योंकि बहुत लोगों को बहुत हाई फीवर आ रहा था, तो उस टाइम पे फिर मैंने जब वैक्सीनेशन करवाया फर्स्ट डोज का, तो नहीं आया फीवर, नहीं आया। और मुझे फिर फीवर नहीं आया और काफ़ी बहुत ज़्यादा उस दिन तक तो थोड़ा थकान लग रहा था। और ऑलरेडी सबको पता होगा जब वैक्सीनेशन होता है तो जहाँ पे भाई सुई कहते हैं जिसको, सुई जहाँ पे लगी थी वहाँ पे थोड़ा तो पेन था ही, और कुछ समय के लिए वहाँ हल्का सा टाइट टाइट सा भी महसूस हो रहा था, मगर उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगा। अभी फर्स्ट डोज तो काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, काफ़ी मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे उसके बाद से काफ़ी मुझे इफ़ेक्टिव लगी। और जो मैंने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी वो अभी यार डिसाइड करते हैं, एंड में बताता हूँ कि मैं डिसाइड नहीं मतलब यार बताते हैं कि कौन सा मैंने लगवाया था। तो वही है, अब सफ़र पे निकल चुके हैं वैक्सीनेशन के। तो आज का व्लॉग भाई ये वैक्सीन व्लॉग रहेगा और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इससे थोड़ी सी अवेयरनेस भी लोगों में फैलेगी। तो इस वजह से ये वैक्सीन व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप सभी को भी ये अवेयरनेस लोगों में डालनी है कि जो है वैक्सीनेशन जरूर कराया। अरे भाई हट जाना, तो वैक्सीन सभी को लगवानी है और बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये हमारे अच्छे के लिए ही किया जा रहा है। तो ज़रूर से ज़रूर अपनी वैक्सीन करवाएं आप सभी लोग। गाड़ी की पार्किंग हमारी लग चुकी है और हम हॉस्पिटल के अंदर आ भी चुके हैं और अभी कराते हैं वैक्सीनेशन। ये फ़ोटो वोटो इसलिए खिंचवाते हैं वैक्सीन की, इससे पता चल जाए कि जो है वैक्सीन लगवाई है। व्हाट्सएप स्टोरी, फेसबुक स्टोरी लग जाए तो अच्छा लगता है। वही चीज़ यहाँ के फ़ोटो सेशन के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो वैक्सीनेशन हो चुका है, डोज टू कंप्लीटेड, फाइनली फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं भाई। अभी घर पहुँच के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे फर्स्ट डोज का। तो मुझे जो शेयर करना था वो आपसे ये करना था कि जो मेरा फर्स्ट डोज था उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को हाई फीवर आ रहा था, कोल्ड कफ एंड ऑल ये सारी चीज़ें हो जा रही थी। तो मैंने फर्स्ट डोज जो मैंने लिया हुआ है, मतलब जो भी वैक्सीनेशन मैंने कराया है वो है कोविशील्ड का, कोविशील्ड मैंने लगवाई है। और आज भी मैं सेकेंड डोज लगवा कर आया हूँ, वो है, वो भी सेम होगा ही भाई, सेम ही तो होगा, कोविशील्ड वो भी था। तो
भाई सभी लोग अपना वैक्सीनेशन कराओ, और जो लोग नहीं कराए हैं जाके अपना वैक्सीन ले लो। और भाई अभी मेरे पास कोई भी यूट्यूब सेटअप नहीं है, तो ऐसे ही बैठ के कुर्सी पे मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो और भाई काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं बाल अपने बहुत ज़्यादा टच करता हूँ, तो भाई वो सिल्की ज़्यादा हैं, बार बार ही आगे आ जाते हैं, ऐसे आँखों पे ऐसे आ जाते हैं, तो इनको ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो इसलिए भाई टच कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हैं तो टच कर लेते हैं, बाद में नहीं होंगे तो नहीं टच करेंगे। तो अभी जस्ट मैं नहावा के आया हूँ और ये आपसे बातें मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सेकंड डोज भी हो गया है, और भाई कोल्ड अभी नहीं हुआ, पहले से था हल्का हल्का सा, क्योंकि विंटर सीज़न आ चुका है। तो आप लोग भी आपके गाँव के साइड तो बहुत ज़्यादा ही विंटर, मतलब विंटर नहीं कह सकते, मतलब मौसम ठंडा होने लगा है। तो अब यहाँ पे भी मौसम चेंज हो रहा है लखनऊ में भी, और धीरे धीरे अभी दिवाली तक ठंडक आ जाएगी। तो मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आँख जो है वो हल्की सी रनिंग प्रोसेस में है। और तो आप लोग भी पूरा वैक्सीनेशन कराइए अपने जाके, और जो जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है भाई वो लोग ले लो अपनी वैक्सीन जाके, और ये सभी के लिए ही है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोविशील्ड फ्री ऑफ कॉस्ट ही लग रही है शायद, और वैक्सीन का तो मुझे नहीं पता है। और तो ये व्लॉग वैक्सीन व्लॉग था, और लोगों में अवेयरनेस लाइए कि वैक्सीन लगवाएं अपनी और टाइमली जाके वैक्सीन लें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही की गई हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और होंगी सब, मतलब गवर्नमेंट जो है जो वैक्सीनेशन करा रही है ये हम सभी के अच्छाई के लिए करवा रही है। तो भाई जाके ले लो वैक्सीन, यार क्या दिक्कत है, फ्री तो है, एक वैक्सीन हो जाएगी और ये आपको फ़ायदा करेगी, आपकी अच्छाई के लिए है। तो ये व्लॉग यहीं तक रहेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक ही बाय बाय।